रानी रूपमती। रूपमती को पद्मा देवी ने उसकी जिम्मेदारियां सौंपने का सही समय समझा। उनके मन में उन्होंने ये तय कर लिया था कि रूपमती के अलावा यशवर्धन की शादी किसी से नहीं होगी। मधु रूपमती को गुस्से से देख रही थी, वो बहुत कुछ कहना चाहती थी। तभी पद्मा देवी की नजर मधु पर गई और उन्होंने कहा, आप कुछ कहना चाहती हैं राजकुमारी मधु? क्या आपको मेरे फैसले से कोई तकलीफ है? महारानी पद्मा के आगे मधु कुछ नहीं कह सकती थी। वो अभी भी अपने अच्छे होने का नाटक कर रही थी। उनका ये सवाल सुनकर मधु ने अपना सिर झुकाया और वो बोली, कुछ नहीं महारानी। ये कहकर वो अंदर चली गई। रूपमती अच्छी तरह से जानती थी कि मधु इतनी आसानी से ये बात स्वीकार नहीं करने वाली थी। मधु ने पहले भी कई बार रूपमती को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार रूपमती बचती आई थी। आगे क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। महारानी पद्मा देवी रूपमती के साथ वहां से बगीचे में चली गई और फूलों को देखते हुए रूपमती से बोली, मैंने सुना है आपको पेड़ पौधों का भी काफी शौक है। रूपमती मुस्कुरा गई और उसने हामी भरते हुए कहा, बचपन से ही फूलों से बहुत अलग लगाव है और आपके महल में तो और भी खूबसूरत बगीचे हैं। महारानी पद्मा देवी रूपमती के कुछ भी बताने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जानती थी। रूपमती की जिन चीजों से महारानी अमृता देवी को नफरत थी, वो पद्मा देवी को काफी पसंद आई थी। इस समय को सही समझते हुए रूपमती ने महारानी से कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। मेरे लिए ये सब कहना आसान नहीं है। आप मुझे इतना सम्मान दे रही हैं, लेकिन असल में मैं विवाह। रूपमती अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अचानक से एक दासी दौड़ती हुए वहां आई और पद्मा देवी और राजकुमारी से बोली, महारानी, राजकुमारी, वो महाराज। दासी की आवाज कांप रही थी। महारानी ने उसे डांटते हुए कहा, बात क्या है बताओ। महाराज का नाम सुनकर महारानी के दिल में एक अजीब सा डर जाग उठा। दासी ने घबराते हुए आगे कहा, महाराज भूदेव को पता नहीं क्या हो गया है, वो दरबार में अचानक ही बेहोश हो गए हैं। ये शब्द सुनकर रूपमती और महारानी दोनों ही हैरान रह गए। वो दोनों तुरंत महाराज के कक्ष में चले गए। क्या हुआ भूदेव को? महारानी ने तेज आवाज में कहा। उस जगह पर महारानी अमृता देवी पहले से मौजूद थी। वो महारानी पद्मा देवी के पास आई और रोने लगी। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है माँ, पता नहीं क्या हो गया है, महारानी अमृता देवी ने कहा। उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। महारानी पद्मा देवी ने अमृता को गले से लगा लिया। इसी बीच अमृता ने जैसे ही उस जगह पर रूपमती को देखा, वो और भी गुस्से में आ गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं राजकुमारी रूपमती? हमने कहा था ना, यहाँ पर किसी का भी आना मना है। ये कहते हुए महारानी अमृता देवी ने दासी की ओर देखा और उसे डांटना शुरू कर दिया। ये देखते ही पद्मा देवी ने तुरंत कहा, महारानी अमृता, शांत हो जाओ। अब रूपमती इस राज्य का एक जरूरी हिस्सा है, उसका यहाँ होना उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा और मेरा। ये सुनकर महारानी अमृता देवी बहुत ज्यादा हैरान हो गई। वो आगे कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों में रूपमती के लिए जलती हुई नफरत साफ नजर आने लगी। रूपमती को इन सब के बीच काफी अजीब लग रहा था। वो खुद ही वहां से जाने के लिए कहने लगी, लेकिन तभी उस जगह पर चिंता में राजकुमार यशवर्धन भी आ गए। पिताजी ठीक तो है ना? यशवर्धन ने अंदर आते ही पूछा। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। महल का एक नया वैद्य ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर महाराज को क्या हुआ था। उनके शरीर को अच्छे से देखने के बाद वो बोला, शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं है, यहां तक कि दिल की धड़कनें भी ठीक चल रही हैं, लेकिन वो जाग नहीं रहे हैं। हमें इसको कुछ समय देना होगा, मैंने एक दवा दे दी है। वैद्य की बात सुनकर सबको थोड़ा दिलासा मिला, लेकिन अब चिंता की बात ये थी कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ऐसा क्यों हो रहा था। महारानी सबको शांत करने के बाद खुद अपने बेटे के पास आई और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी। उनकी आंखें नम थी, लेकिन रूपमती ध्यान से देख रही थी कि कैसे महारानी अमृता देवी टूट चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ पद्मा देवी ने खुद को संभाला हुआ था। महाराज के पास कुछ देर रुकने के बाद रूपमती अपने कक्ष में चली गई। उसने अभी अंदर पैर रखा ही था कि उसे जमीन पर एक चिट्ठी नजर आई। रूपमती के मन में ना जाने क्यों
अभी भी प्रताप को लेकर उम्मीद थी। एक मिनट के लिए उसे ऐसा लगा कि शायद ये खत प्रताप की ओर से था, लेकिन उसे खोलते ही रूपमती की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या? रूपमती का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उस कागज को देखते ही अपने कक्ष से बाहर निकल गई। उसने एक मिनट भी नहीं लगाया और वो सीधे यशवर्धन के पास पहुंच गई। वही यशवर्धन भी रूपमती की तरह चौंका हुआ था, उसके चेहरे का रंग उतर चुका था। रूपमती ने जब यशवर्धन को देखा तो उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, आपके पास भी ये खत आया है? यशवर्धन के हाथ में ठीक रूपमती की तरह एक खत था, जिसे देखकर वो उसी की तरह हैरान था। उसने भी रूपमती के हाथ में पकड़े खत को देखते हुए कहा, आपको भी? हाँ, रूपमती ने धीमी आवाज में कहा, और वो यशवर्धन के पास आ गई। देखने से ऐसा लग रहा था कि रूपमती और यशवर्धन को एक ही जैसा खत आया था और उसे एक ही इंसान ने लिखा था। उन दोनों ने साथ में उस खत को पढ़ते हुए कहा, अगर आप चाहते हो कि महाराज भूदेव को होश आए तो जो मैं कह रहा हूं वैसा करो, क्योंकि सच क्या है सिर्फ मैं जानता हूं। ये खत कुछ अधूरा सा था। रूपमती और यशवर्धन दोनों ही नहीं जानते थे कि इस बात का क्या मतलब था। क्या ये सब इस इंसान ने किया था जिसने उन दोनों को खत भेजा था? रूपमती अभी ये सोचने लगी कि उसे और यशवर्धन को ही ये खत क्यों मिला था, आखिर इसके पीछे क्या बात थी? अब हमें क्या करना चाहिए? रूपमती ने यशवर्धन की ओर देखकर पूछा। यशवर्धन के पास भी अभी इस बात का कोई जवाब नहीं था। अब उन दोनों के पास कोई इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। यशवर्धन ने कुछ सोचते हुए कहा, इस बात के बारे में हमें अभी किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। हो सकता है ये इंसान हम सब के आस पास ही हो। महारानी पद्मा देवी को कुछ मत कहना। यशवर्धन की ये बात सच थी। आखिर अभी तक वो इंसान नहीं मिला था जिसने रूपमती की आखिरी बार तबीयत खराब की थी। वैद्य और रूपमती की हमशक्ल दोनों ने अपनी जान दे दी थी, जिसके चलते सच कभी सामने नहीं आया था। रूपमती को डर था कि ये काम भी उसी इंसान का था। देखते ही देखते महाराज के बेहोश होने वाली बात महल में चारों तरफ फैल गई। मधु, जिसे महल से महारानी ने जाने को कहा था, उसने रुकने के लिए इस बात का काफी अच्छा फायदा उठा लिया था। वो अभी महल में महारानी अमृता देवी का ख्याल रखने लगी। अमृता देवी लगातार रो रही थी और मधु उनके पीठ को सहलाते हुए अमृता देवी का ख्याल रखने का नाटक कर रही थी। तभी उसने बहुत सोच समझकर कहा, महारानी, मैं तो आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, मेरा दिल दुखता है। ये सुनकर महारानी अमृता देवी ने मधु की ओर देखा और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो बोली, आपको कहाँ जाना है? मधु को इसी सवाल का इंतजार था। जैसे ही उसने अमृता के मुंह से ये बात सुनी, उसने अपना मुंह झुका लिया और फिर वो धीमी दर्द भरी आवाज में महारानी अमृता देवी को सुबह जो कुछ हुआ था वो सब बताने लगी, कि कैसे महारानी पद्मा देवी ने रूपमती के आगे उसे महल से निकल जाने को कहा और वो कैसे रूपमती को सारी जिम्मेदारियां सौंपने के बारे में सोच रही थी। ये सब सुनकर अमृता देवी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने एक ही सांस में कहा, आप कहीं नहीं जाएंगी राजकुमारी मधु, महारानी से मैं बात कर लूंगी, और रही बात रूपमती की तो मैं अपने बेटे का विवाह उनसे नहीं कराऊंगी। वैसे भी कुछ ही दिन में महारानी भी रूपमती को पहचान लेंगी। महारानी अमृता देवी को यकीन था कि महारानी पद्मा देवी के दिल से निकला ये प्यार कुछ ही दिन में रूपमती की हरकतें देखकर गायब हो जाएगा, फिर वो खुद ही रूपमती और यशवर्धन का रिश्ता तोड़ देंगी। मधु महारानी अमृता की बात सुनकर खुश हो गई और मन ही मन हंसने लगी। अब जितनी नफरत वो खुद रूपमती से करती थी, उतनी ही अमृता देवी भी करने लगी थी। रूपमती यशवर्धन से बात करने के बाद वापस कक्ष में लौट आई। उसके हाथ में अभी भी वो खत था। रूपमती को बार बार वो लिखावट देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस इंसान को जानती थी। उसने ऐसी लिखावट किसी की देखी थी, मगर वो इंसान कौन था रूपमती को नहीं पता था। रूपमती गहरी सोच में थी जब उसके कक्ष में महारानी पद्मा देवी आ गई। उन्हें देखते ही रूपमती ने उस खत को छुपा दिया। महारानी पद्मा देवी ने रूपमती को ऐसा करते हुए देख लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उन्होंने अभी के लिए उस बात को अनदेखा कर लिया था। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ राजकुमारी रूपमती, महारानी पद्मा देवी ने रूपमती से कहा। रूपमती को कोई अंदाजा नहीं था कि महारानी के दिमाग में क्या चल रहा था। महारानी ने कक्ष से सारी दासियों को बाहर भेज दिया
फिर वो रूपमती के पास बैठकर बोली, मुझे नए वैद्य पर विश्वास नहीं है, पर मैंने सुना है कि पास ही के एक छोटे गांव में एक औरत है जिसके पास प्राचीन शक्तियां हैं। रूपमती ये बात सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि महारानी क्या कहना चाहती थी। मैं चाहती हूं कि तुम उसके पास जाओ और उसे यहां लेकर आओ, महारानी ने आगे कहा और रूपमती को गंभीरता से देखा। रूपमती ये सुनते ही बोली, हम अभी किसी सैनिक को भी तो भेज सकते हैं। रूपमती ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर एक वैद्य को लाने के लिए रूपमती को क्यों भेजा जा रहा था। ये सुनकर महारानी अपनी जगह से उठ गई और बोली, एक खास बात है उनकी शक्तियों की, वो सिर्फ होने वाली रानी के कहने पर किसी भी महल में प्रवेश करती हैं। अगर उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया तो आप महाराज को बचा सकती हो। रूपमती ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई। महारानी पद्मा देवी ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, और हम चाहते हैं कि इस काम के लिए आप अभी के अभी निकल जाए, ये जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। स्थिति गंभीर थी, रूपमती के पास भी जैसे मना करने का कोई चारा नहीं था। आखिर बात थी तो महाराज की, वो बस मन ही मन ये सोच रही थी कि क्या वो औरत रूपमती को महल की होने वाली रानी के तौर पर चुनेगी। हालांकि रूपमती को जादुई शक्तियों वाली चीज पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो महारानी की बात को टाल नहीं सकती थी। आखिर क्या होने वाला था आगे, क्या रूपमती उन ताकत के बदले महाराज को ठीक कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रानी रूपमती। अच्छा, यही होगा कि आप अभी निकल जाए, महारानी ने रूपमती से कहा और पूरी तैयारी के साथ रूपमती आधे घंटे में महल से निकल गई। रूपमती कुछ सैनिक और दासियों के साथ निकल गई। महल के पास उस छोटे से गांव में रूपमती एक घंटे के अंदर पहुंच गई। उसने आसपास गांव में उस औरत के बारे में पूछा, लेकिन उसे कहीं से भी उस औरत का पता नहीं मिल पा रहा था। रूपमती को महारानी पद्मा देवी ने उस औरत का नाम बताया था। उस औरत का नाम दिव्यानी था, लेकिन वो जिससे भी पूछती कि दिव्यानी कहाँ रहती थी, किसी के पास भी उसका पता नहीं था। राजकुमारी, कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है, वो शाम को गांव के नदी के पास सैर करती है, सिर्फ तभी वो लोगों से मिलती है, एक आदमी ने रूपमती के पूछने पर बताया। नदी के पास? धन्यवाद आपका, रूपमती ने उस आदमी से कहा और फिर वो कुछ देर के लिए गांव के आसपास घूमने लगी। शाम होने में अभी समय था। रूपमती ने सोच लिया था कि उस औरत को अपने साथ लेकर वो महल लौटेगी। दिन का सूरज सर पर था, लेकिन बादलों की वजह से रूपमती को अपने चेहरे पर ज्यादा धूप नहीं लग रही थी। वो पानी के पास जाकर बैठ गई और अपने सिर को हाथ पर टिकाकर कुछ सोचने लगी। रूपमती के दिमाग में कई सारी चीजें थी, उनमें से एक ये थी कि आखिर यशवर्धन और उसे ये खत क्यों मिला था। रूपमती नदी के पास इन ख्यालों को समेटे बैठी हुई थी, जब उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। क्या आपको भी लहरों की आवाज शांति देती है, या फिर आप यहाँ अपने ख्यालों को समेटने की कोशिश कर रही हो? रूपमती हैरान थी कि कैसे उसके मन को उस औरत ने समझ लिया था। वो औरत ये कहते हुए रूपमती के पास आकर बैठ गई। रूपमती ने उनकी ओर देखा और कहा, शांति मिलती तो है, लेकिन आज नहीं मिल पा रही। नदी के पास तेज हवाएं चल रही थी, जिन्हें महसूस करते हुए रूपमती ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो औरत रूपमती को ध्यान से देख रही थी, उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। उस औरत की आंखें ऐसी थी कि जैसे कोई झील हो। उसने रूपमती को देखकर अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस अंदर ले ली। लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, दो लोगों के बीच खुद के दिल को बिखरते हुए देख रही हैं, लेकिन उन दोनों के बीच आप किसी को नहीं बल्कि खुद को चुनना चाहती हैं। उस औरत ने रूपमती से ये कहा और वो अपनी जगह से उठ गई। रूपमती बेहद हैरान थी, उसे समझ नहीं आया कि ये औरत कौन थी और उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती थी। कौन है आप? रूपमती के मुंह से सीधा यही बात निकली। जब उस औरत ने ये सुना तो वो मुस्कुरा गई और आगे बोली, मुझे विश्वास है कि आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी, पर आप इतना तो बता सकती हैं कि आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती हैं? रूपमती ने ये कहा और वो उस औरत को जाने से रोकने लगी, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना झोला लेकर वहां से चली गई।
रूपमती को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और ऐसे कैसे बिना कोई जवाब दिए जा रही थी। एक मिनट के लिए रूपमती को ऐसा लगा कि शायद यही औरत देवयानी थी जिसे ढूंढते हुए वो यहाँ आई थी। ये सोचते ही रूपमती अपनी जगह पर खड़ी हुई और उसने उस औरत को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा वो औरत गायब हो चुकी थी। रूपमती आगे कुछ करती, उससे पहले ही उसे दासी ने बुलाते हुए कहा, राजकुमारी खाना तैयार है, आप आ जाइए। रूपमती दासी के बुलाने पर दूसरी ओर चली गई। वो बार बार उस तरफ पलट कर देखती रही, लेकिन उसे वो औरत दोबारा नजर नहीं आई। एक तरफ रूपमती उस औरत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार ने अपने खास लोगों को उस खत के बारे में पता करने को कह दिया था। ये वो खास लोग थे जिन पर राजकुमार यशवर्धन आंख बंद करके विश्वास करते थे। हम चाहते हैं कि आप पता लगाएं कि इसके पीछे कौन है, और ये भी कि महल में और किसको ये खत मिला है। यशवर्धन ने उन्हें ये आदेश दिया और उन्हें वहां से भेज दिया। उन्हें रूपमती की भी खबर मिल चुकी थी। हालांकि वो जानते थे कि रूपमती अपना ख्याल रख सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रूपमती के पीछे अपने दो सैनिक भेजे थे जो उसकी सुरक्षा की पूरी तैयारी रखे। उन्होंने ऐसी तैयारी रखी कि रूपमती को इस बारे में कुछ पता ना चले। महल में जब महारानी अमृता देवी को रूपमती के जाने के बारे में पता चला तो उनके कक्ष में मधु भी बैठी हुई थी। मधु ने पूरी बात सुनने के बाद कुछ सोचते हुए कहा, महारानी अगर रूपमती सच में उस औरत को अपने साथ ले आई तब तो महारानी पद्मा देवी उसी को यशवर्धन की धर्म पत्नी बना देंगी। मैंने सुना है कि वो औरत सिर्फ होने वाली रानी और कुछ खास लड़कियों की मदद करने के लिए तैयार होती है। ये सुनकर अमृता देवी ने मधु की ओर देखा और कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें भी वहां जाना होगा। मुझे? मधु हैरान हो गई ये सुनकर। उसने सोचा था कि महारानी कोई तरकीब निकालेंगी रूपमती को परेशान करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महारानी अमृता देवी ने मधु को समझाते हुए कहा, होने वाली रानी तुम हो, उस औरत को तुम्हारी बात सुननी होगी। मुझे यकीन है कि आप वहां होंगी तो वो आपको चुनेगी, और साथ ही अगर वो आ जाएगी तो फिर महाराज भी ठीक हो जाएंगे, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। ये कहते हुए फिर से महारानी की आंखें नम हो गई। राजकुमारी मधु का हाथ पकड़ते हुए महारानी ने कहा, आप अभी जल्दी से वहां जाने की तैयारी करो, राजकुमारी रूपमती की जगह हम आपको देखना चाहते हैं उस औरत के साथ, हमें इंतजार रहेगा आपके लौटने का। ये कहते हुए महारानी ने राजकुमारी मधु को तैयारी में लगाकर तुरंत उस जगह पर भेज दिया। मधु एक घंटे में रूपमती की तरह वहां पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने दासियों को उस औरत का पता लगाने के लिए कह दिया। वो खुद सैनिकों की तैयार की गई एक साफ जगह पर जाकर बैठ गई जहां उसे धूप ना लगे। गांव में पहुंचते ही उसने सैनिकों को खाने की तैयारी करने में लगा दिया। राजकुमारी रूपमती की तरह मधु की दासियों को भी नहीं पता चला कि असल में दिव्यानी नाम की औरत कहाँ रहती थी। कोई भी आदमी मधु की दासियों को ये तक नहीं बता रहा था कि दिव्यानी नदी के पास शाम को मिलती थी। दासियां मधु के पास पहुंची और उन्होंने सब कुछ मधु को बता दिया। मधु ये सुनकर चीखने लगी, तुम लोग इतना सा काम नहीं कर सकते, आखिर तुम किस काम की हो? मधु ने सोचा नहीं था कि उस औरत को ढूंढना इतना मुश्किल होने वाला था। वो कुछ सोचने लगी। मधु के हिसाब से राजकुमारी रूपमती को भी यही होना चाहिए था, लेकिन आसपास देखते हुए ना तो उसे राजकुमारी रूपमती की दासियां नजर आ रही थी और ना ही उनके सैनिक। फिर आखिर में उसने दासियों को दूर करके एक सैनिक को अपने पास बुला लिया। सैनिक के पास आते ही मधु ने कहा, राजकुमारी रूपमती का पता लगाओ तुरंत। ये सुनते ही सैनिक जल्दी से काम पर लग गया। उन्होंने आसपास से रूपमती और उनके सैनिकों का पता लगाया और वापस मधु के पास आ गए और बोले, राजकुमारी रूपमती बाकियों के साथ नदी के पास है। नदी के पास? मधु ने जब ये सवाल पूछा तो सैनिक ने कहा, उन्हें ये बताया गया है कि वो औरत शाम को नदी के पास मिलती है। अच्छा, तो बात ऐसी है। मधु ये बात कहते हुए मुस्कुराने लगी और फिर सैनिकों और दासियों को सारा सामान लेकर नदी के पास चलने को कहा। मधु ने रूपमती का पीछा करते हुए ठीक उसी जगह पर आकर अपना सामान लगवा दिया जहां पर रूपमती उस औरत का इंतजार कर रही थी। रूपमती जितना अपने साथ कम सामान लाई थी उससे कई गुना ज्यादा मधु अपने साथ लाई थी। वो अपने हर एक काम के लिए दासियों को अपने साथ लाई थी और वहीं रूपमती के साथ सिर्फ दो दासियां आई थी जिनसे रूपमती ज्यादा काम भी नहीं करा रही थी।
रूपमती को इन सब बातों का शौक नहीं था। वो बस उस औरत से मिलकर उसे अपने साथ ले जाने आई थी। मधु को वहां देखकर रूपमती समझ गई थी कि आखिर क्या हो रहा था, लेकिन रूपमती को मधु के यहाँ होने से कोई तकलीफ नहीं थी। वो सोच रही थी कि अगर वो औरत मधु को चुन लेती है तो भी अच्छी बात थी, आखिर उसकी मदद से महाराज तो ठीक हो सकेंगे। लेकिन मधु के अंदर ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था। वो बस रूपमती को नीचा दिखाना चाहती थी और इसे एक प्रतियोगिता की तरह जीतना चाहती थी। दिन का सूरज अब धीरे धीरे करके उस नदी के पीछे डूबने लगा था। रूपमती जाकर पत्थरों के बीच बैठ गई। उसे देखते हुए मधु भी वहीं पास में आकर बैठ गई, ये सोच करके रूपमती जानती थी कि वो औरत कहां पर आएगी। मधु ने रूपमती के पास बैठते हुए कहा, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि आप उन्हें अपने साथ ले जा पाएंगी। वो सिर्फ एक असली होने वाली रानी को चुनती है, और चाहे अभी कोई कुछ भी कहे, पर आपका विवाह राजकुमार यशवर्धन से नहीं होगा। ये कहते हुए मधु हंसने लगी। मधु किसी तरह से बस रूपमती को गुस्से में देखना चाहती थी, लेकिन रूपमती ये बात सुनकर मधु के साथ मुस्कुराई और बोली, इससे अच्छा क्या ही होगा, मैं तो वैसे भी बस यही चाहती हूँ कि महाराज को होश आ जाए। आप रानी बने या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपमती की ये बात सुनकर मधु ने अपने दांत कस लिए और वो तुरंत बोली, अपना ये नाटक बंद कर देना चाहिए अब आपको। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप महल से जाने का नाम क्यों नहीं लेती। ये सुनकर रूपमती ने फिर से बड़ी शांत आवाज में कहा, ये बात तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ। अपनी जबान संभाल कर बात करिए राजकुमारी रूपमती, मधु ने गुस्से से कहा, और वो अपनी जगह से उठ गई। उसने पीछे से आ रही एक औरत को देखा और वो बिना रूपमती को बताए सीधा उनके पास जाने लगी। वस्त्र और उनके हाथ में एक झोला देखकर मधु ने समझ लिया था कि इसी औरत का नाम दिव्यानी था, जिससे मिलने के लिए उसे वहां भेजा गया था। सुनिए सुनिए दिव्यानी जी, मधु ने उस औरत को अपनी मीठी आवाज में बुलाया। मधु की बात सुनकर वो औरत अपनी जगह पर रुक गई। उसने मधु की ओर देखा और वो हल्के से मुस्कुराई। रूपमती जो कि पीछे खड़ी थी अब वो भी मुड़कर देख रही थी। जी मैं ही दिव्यानी हूँ, उस औरत ने कहा। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये वो औरत नहीं थी जिससे रूपमती पहले मिली थी, लेकिन वस्त्र और झोले उसने वही पहने हुए थे जो उस औरत ने पहने थे। रूपमती दूर से सिर्फ ये बात देख रही थी। वो औरत अपनी जगह पर रुक गई थी। मधु उसके पास चलकर आई। मधु ने हाथ जोड़कर उसे अच्छे से नमस्कार किया और फिर वो बोली, मेरा नाम मधु है, मैं राजकुमार यशवर्धन की होने वाली राजकुमारी हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या मधु का ये झूठ दिव्यानी पकड़ लेगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रानी रूपमती। आप राजकुमार यशवर्धन की रानी नहीं हैं, दिव्यानी ने तुरंत कहा। ये कहकर वो आगे चलने लगी। मधु ने जब ये शब्द सुने उसके होश उड़ गए। उसने दिव्यानी की ओर गुस्से से देखा और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, हम ही हैं राजकुमार यशवर्धन की होने वाली रानी। विश्वास नहीं होता तो जाकर महारानी अमृता देवी से पूछ लीजिए। राजकुमारी मधु के लिए ये विश्वास करना नामुमकिन था कि कोई आई गई औरत उसे ये बताएगी कि वो रानी बनेगी या नहीं। आखिर वो होती कौन थी? दिव्यानी ने मधु को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर वो आगे बोली, गुस्सा होकर कुछ नहीं होगा, आप खूबसूरत हैं, आपको कोई और नौजवान मिल जाएगा, लेकिन राजकुमार यशवर्धन आपकी किस्मत में नहीं है। ये सुनकर मधु को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से से दिव्यानी को देखने लगी। दिव्यानी आगे बिना कुछ सुने चलने लगी। वो रूपमती के बुलाए बिना उसके पास चली गई। रूपमती पत्थरों के पास खड़ी थी। उसने दिव्यानी को देखा और अपने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। रूपमती को देखकर उसने मधु जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि दिव्यानी ने अपने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। मधु दूर से ये सब देख रही थी। रूपमती ने अपने आप ही कहा, मेरा नाम रूपमती है, मैं महल से आई हूँ, हमें आपकी मदद चाहिए। रूपमती की बात सुनकर दिव्यानी हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ, अगर आपको याद होगा तो हम थोड़ी देर पहले मिले थे। हम मिले थे? रूपमती ने उस औरत का चेहरा ध्यान से देखते हुए पूछा। दिव्यानी ये सुनकर हंसने लगी। उसने रूपमती को बताया कि कैसे उसका रूप सुबह से शाम में बदलता था। रूपमती ये सुनकर हंसने लगी।
वो इस बात को मान लेने के लिए तैयार नहीं थी कि कोई अपना रूप भी बदल सकता है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रूपमती ने हैरानी के साथ कहा। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर देवयानी भी मुस्कुराई और वो बातें कहने लगी जो उसने रूपमती से पहले कही थी। रूपमती को अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी कि शायद देवयानी किसी को जानती थी जिसने उसे ये सब बताया था। देवयानी ने अपने आप पर यकीन कराने की कोशिश नहीं की। वो सीधे रूपमती की आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मधु दूर से ये सब देख रही थी। मधु के चेहरे के भाव ये बात सुनते ही बदल गए। वो तुरंत देवयानी के पास आई और बोली, आप मेरे साथ तो चलने के लिए नहीं तैयार हुई, और जो लड़की आपसे झूठ कह रही है आप उसके साथ जा रही हैं? रूपमती ने मधु की बात सुनकर हैरान होकर उसको देखा। मधु गुस्से में थी। अगर देवयानी मधु के साथ नहीं जा रही थी तो वो रूपमती के साथ भी नहीं जा सकती थी। मधु जानती थी कि अगर देवयानी रूपमती के साथ गई तो उसे महारानी पद्मा देवी उसे यशवर्धन की रानी मान लेंगी और मधु रूपमती को उस जगह कभी नहीं देख सकती थी। यह आपसे झूठ कह रही है, ये कोई रानी नहीं बनने वाली, मधु ने गुस्से से कहा। यह शब्द सुनकर देवयानी बहुत आराम से बोली, क्या आपने सच कहा? यह सुनकर मधु के चेहरे के भाव बदल गए। वो फिर से चिढ़ते हुए बोली, जी मैंने सच कहा है, क्या आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं? यह सुनकर देवयानी हंसने लगी। उसने रूपमती की ओर देखा और कहा, चलिए राजकुमारी, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। रूपमती को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो देवयानी के कहने पर उसके साथ चलने लगी। तभी मधु चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती, हम है राजकुमार यशवर्धन की रानी, ये नहीं। मधु गुस्से से उन दोनों के सामने आ गई थी और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। देवयानी ने मधु को देखा और अपनी शांत आवाज में कहा, मुझे राजकुमारी रूपमती ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो नहीं बोली कि वो राजकुमार यशवर्धन की रानी बनने वाली है। तो आप उनकी मदद क्यों कर रही हैं? मधु गुस्से से बोली, आप तो सिर्फ होने वाली रानी की बात सुनती हैं, तो फिर ये सब क्यों? मधु की बात सुनकर देवयानी फिर से मुस्कुराई और आगे बोली, नहीं ये सच नहीं है, हम उन सब कुमारी लड़कियों की मदद करते हैं जो सच कहती हैं, मगर आपने सच नहीं कहा। मधु हैरान थी, उसका मुंह बंद हो गया था। रूपमती की ओर देखकर देवयानी ने कहा, मैं जानती हूं कि राजकुमारी रूपमती ने मुझे अपने बारे में जो कहा वो सच है, लेकिन आपने मुझसे जो कुछ कहा वो सच नहीं था। ये कहते हुए देवयानी ने रूपमती से कहा, चलिए सुबह मैं किसी से नहीं मिलती। महाराज के बारे में सोचते हुए रूपमती देवयानी को अपने साथ ले गई। मधु ने जितनी कोशिश की वो सब खराब हो गई। देवयानी रूपमती के साथ महल में पधार गई। रूपमती के साथ उसे देखते ही महारानी पद्मा देवी काफी ज्यादा खुश हो गई। वो जानती थी कि ये काम सिर्फ रूपमती कर सकती थी। महारानी पद्मा देवी महाराज के पास ही बैठी थी। महाराज सुबह से शाम तक बेहोश उसी जगह पर लेटे हुए थे। अच्छे से अच्छा वैद्य कुछ नहीं कर पा रहा था। रूपमती को अपने सामने देखकर महारानी अमृता देवी को भी बहुत गुस्सा आया। वो मधु की राह देख रही थी, लेकिन मधु का कहीं अता पता नहीं था। देवयानी रूपमती के साथ कक्ष में आई और वो आकर महाराज को देखने लगी। वो महाराज के ठीक बगल में बैठी और उसने अपना हाथ महाराज के शरीर के ठीक ऊपर रखा। वो महाराज को अपने हाथ से छू नहीं रही थी। रूपमती देवयानी को ध्यान से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देवयानी क्या करने वाली थी, और बिना महाराज के शरीर पर हाथ लगाए वो कैसे समझ सकती थी कि उन्हें क्या हो रहा है। रूपमती ने एक लंबी आह भरी। तभी महारानी पद्मा देवी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपने कमाल कर दिया आज राजकुमारी रूपमती, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रूपमती हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसे डर था कि देवयानी कुछ कर भी पाएगी या नहीं। लेकिन तभी देवयानी ने अपनी आंखें खोली और रूपमती से कहा, आपको अभी के अभी गेंदे के फूल लेकर आने होंगे। ये सुनकर दासियां वहां से जाने लगी, लेकिन तभी देवयानी ने उन्हें जाने से रोकते हुए कहा, नहीं सिर्फ राजकुमारी रूपमती जाएंगी। ये सुनकर राजकुमारी रूपमती वहां से चली गई। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा था। देवयानी गेंदे के फूल से आखिर क्या करने वाली थी। रूपमती बाहर बगीचे से गेंदे के फूल लेने गई। उसने 3 से 4 फूल तोड़े और फिर वो उसे लेकर भागते हुए कक्ष में आ गई। देवयानी ने उन फूलों को तोड़ा और फिर उन्हें गर्म पानी में डालने के बाद उसका पानी महाराज को पिला दिया। ऐसा करने के बाद अचानक से महाराज को खांसी आने लगी। ये देखकर रूपमती और बाकी के लोग दंग रह गए।
हे भगवान, ये जादू है, भगवान का हाथ है आपके सर पर, महारानी अमृता देवी ने कहा। ये कहते ही वो अपने पति के पास पहुंच गई। महारानी पद्मा देवी भी महाराज के पास आई और उन्हें देखने लगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये कहते हुए महारानी पद्मा देवी ने भगवान का धन्यवाद किया। फिर वो रूपमती का हाथ पकड़कर उसे करीब ले आई। उन सब ने अपना सिर दिव्यानी के आगे झुकाया, पर दिव्यानी ने सिर्फ रूपमती के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो, अब मैं चलती हूँ, आप लोग बस आज रात तक का इंतजार करिए, कल सुबह तक ये ठीक हो जाएंगे। सब लोग ये सुनकर काफी खुश थे। रूपमती के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी, लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ था। महारानी पद्मा देवी ने दिव्यानी को काफी रोकने की कोशिश की, पर दिव्यानी ने रूपमती के अलावा किसी और से बात नहीं की और वो सीधा अलविदा कहकर वहां से बाहर निकल गई। मैं सिर्फ रूपमती के साथ बाहर जाऊंगी, उसके अलावा मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। दिव्यानी के पास रुकने का समय नहीं था। बाहर रूपमती के साथ आते हुए वो बोली, आप राजकुमार यशवर्धन और प्रताप के बीच परेशान हो, है ना? खुद की खुशी भी चाहती है, बाकी औरतों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती। सही कहा ना मैंने? ये सुनकर रूपमती हंसने लगी और बोली, जब से आप आई हैं मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ऐसा कैसे हो रहा है। आपने ये सब कैसे किया? महाराज को आपने एक पल में ठीक कर दिया और मेरे बारे में भी इतना कुछ जानती हैं आप। मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि क्या कहूं। रूपमती के सवाल सुनकर दिव्यानी अपनी जगह पर रुक गई। उसने रूपमती से कहा, आप जल्द समझ जाएंगी। दिव्यानी के चेहरे पर एक नरम मुस्कान थी। उसने रूपमती के सिर पर फिर से हाथ रखा और कहा, जल्द दोबारा मिलेंगे। रूपमती आगे कुछ कहती, उससे पहले ही दिव्यानी वहां से चली गई। रूपमती को समझ नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था। क्या वो दोबारा मिलने वाली थी दिव्यानी से? रूपमती जैसे ही कमरे में वापस गई, उसके होश उड़ गए। महारानी पद्मा देवी दरवाजे पर अपने हाथ मोड़ कर खड़ी थी। हमें सब सच जानना है आपसे, महारानी ने गुस्से से कहा। महारानी पद्मा देवी ने रूपमती से कहा, क्या ये सच है कि आप यशवर्धन से शादी नहीं करना चाहती? आपको प्रताप से शादी करनी है? रूपमती ये सुनकर थोड़ा चुप हो गई। उसने फिर अपनी नजरें उठाई और कहा, जी ये सच है, पर ये सब कैसे हो सकता है? महारानी पद्मा देवी ने कुछ सोचते हुए कहा। उन्हें खुद पर और अपनी सहज प्रवृत्ति पर पूरा यकीन था। उनके हिसाब से रूपमती ही यकीनन राजकुमार यशवर्धन की होने वाली रानी थी, पर वो खुद ऐसा क्यों कह रही थी? ये सच नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती, महारानी पद्मा देवी ने गुस्से से कहा। पद्मा देवी के ठीक पीछे महारानी अमृता देवी थी। अमृता देवी ने एक लंबी आह भरी और वो भी महारानी की तरह अपने हाथों को मोड़ते हुए रूपमती के पास आ गई और बोली, मगर सच तो यही है महारानी कि रूपमती राजकुमार यशवर्धन से विवाह नहीं करना चाहती। इन्होंने ना जाने कितना समय बर्बाद किया है हम लोगों का और कितना नाम खराब किया है। ये सुनकर महारानी पद्मा देवी कुछ देर के लिए शांत हो गई और फिर कुछ बोले बिना वहां से चली गई। उनको इस तरह से जाता देख महारानी अमृता देवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर अपना मुंह मोड़ते हुए वो भी वहां से चली गई। वहीं दरवाजे के पास मधु खड़ी थी, जिसने ये सब होते हुए देख लिया था। उसके मन में एक बार फिर राजकुमार यशवर्धन के साथ रहने की उम्मीद जाग चुकी थी। सबके जाने के बाद रूपमती खुद महाराज के कमरे में गई, जो कि अभी आराम कर रहे थे। महाराज ने रूपमती की ओर देखा और उन्हें अपनी कमजोर आवाज में बुलाते हुए कहा, राजकुमारी रूपमती इधर आइए। अचानक से महाराज को खांसी होने लगी। रूपमती ने उन्हें पानी पिलाया और फिर वो उनके पास आकर बैठ गई। मुझे आपको कुछ जरूरी बताना है, महाराज ने गंभीर आवाज में कहा। दिखने में वो एकदम कमजोर लग रहे थे। ये उस खत के बारे में है? ये शब्द सुनते ही रूपमती के होश उड़ गए। आखिर क्या कहानी थी उस खत की? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रानी रूपमती। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? रूपमती ने बड़ी हैरानी के साथ कहा। महाराज उससे खत की बात कर रहे थे।
जिसके बारे में सोचते ही रूपमती को उस खत के बारे में ध्यान आया जो उसे देवयानी के पास जाने से पहले मिला था। रूपमती को समझ नहीं आया कि आखिर महाराज भूदेव इस बारे में इतनी गंभीरता से क्यों कह रहे हैं, आखिर बात थी क्या। रूपमती काफी देर तक इधर उधर ढूंढती रही, तभी अचानक एक सैनिक उसके पास आया और उसने रूपमती के आगे एक खत जमीन पर गिरा दिया। सैनिक ने एक मिनट के लिए रूपमती को देखा और फिर वो वहां से तुरंत चला गया। रूपमती ये देख रही थी, जब तक वो सैनिक के पास पहुंची वो वहां से जा चुका था। रूपमती ने वो खत उठाया और उस आदमी को बुलाते हुए कहा, सुनो कहां जा रहे हो तुम, कौन हो तुम? रूपमती तेज आवाज में कह रही थी, लेकिन उस सैनिक ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उस जगह से रफू चक्कर हो गया। रूपमती ने उसे देखने के बाद वो खत अपने पास रखा और वो वापस महल की ओर बढ़ने लगी। रूपमती अभी अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया। ये क्या कर रहे हो तुम, रूपमती अचानक से बोली। अब उन सैनिकों ने रूपमती के पास आना शुरू कर दिया था, उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी थी। रूपमती को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। महारानी ने आपको पकड़ कर लाने को कहा है, उनमें से एक सैनिक ने कहा और फिर वो रूपमती के हाथ को पकड़ने लगा। रूपमती हैरान थी, उसने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, लेकिन क्यों? सैनिकों ने रूपमती की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले गए। महल के अंदर महारानी अमृता देवी और महारानी पद्मा देवी मौजूद थी। पद्मा देवी के चेहरे पर एक अजीब स्वभाव था, वो जमीन की ओर देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ महारानी अमृता देवी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, आखिरकार उन्होंने अपने जाल में रूपमती को फंसा लिया था। लेकिन मैंने किया क्या है, रूपमती ने उन सब के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने आसपास देखा तो वहां पर राजकुमार यशवर्धन भी नहीं थे। तभी महारानी ने उसकी बात का जवाब दिए बिना एक दासी को बुला लिया। इधर आओ तुम, राजकुमारी रूपमती की तलाशी लो, मुझे यकीन है कि इनके पास वो जरूर होगा। लेकिन क्या, रूपमती महारानी की बात सुनकर तेज आवाज में बोली। कोई भी रूपमती की बात का जवाब नहीं दे रहा था। रूपमती ने झटके से सैनिकों को दूर कर दिया और कहा, आप लोग ये नहीं कर सकते। ऐसा करने से रूपमती के हाथ में पकड़ा वो खत जमीन पर गिर गया और महारानी अमृता देवी ने तुरंत उसे उठा लिया। ये देखो, ये रहा जिसकी मैं बात कर रही थी, महारानी अमृता देवी ने तुरंत ये कहा और उस खत को अपने हाथ में ले लिया। रूपमती ये सुनकर चिल्लाते हुए बोली, आप उसे नहीं खोल सकती, ये महाराज का है। एक बार फिर रूपमती की कही हर एक बात अनसुनी की जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा था, कोई मेरी बात का जवाब देगा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। रूपमती ने एक बार फिर कठोरता से कहा। वो तंग आ गई थी लोगों के इस व्यवहार से। तभी महारानी ने उस खत को पढ़ लिया और वो हैरानी से रूपमती की ओर देखने लगी। फिर उस खत को पद्मा देवी को देते हुए तेज आवाज में बोली, देख लीजिए, आप इनको चुनने वाली थी अपनी कुलवधू के तौर पर, और अब देखिए ये क्या कर रही हैं। रूपमती नहीं जानती थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। पास ही में महल के बाकी लोग भी थे। मधु भी कोने में खड़ी बड़े मजे से ये सब देख रही थी। तभी महारानी पद्मा देवी ने उस खत को पढ़ा और वो बिना कुछ बोले रूपमती को टकटकी लगाकर देखने लगी। मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी राजकुमारी रूपमती, महारानी ने दुखी आवाज में कहा। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रूपमती को लेकर उनकी उम्मीदों का गुलदस्ता बिखर गया था। पर रूपमती ने फिर से कुछ बोलना चाहा, लेकिन एक बार फिर महारानी अमृता देवी ने उसे बीच में रोक दिया। बस राजकुमारी रूपमती, और कितना नाटक करेंगी आप, बोलिए और कितना। अब आपकी सच्चाई सबके आगे आ चुकी है। ये कहते हुए महारानी ने उस खत को उठाकर रूपमती की ओर इशारा किया। रूपमती इन सब बातों से अनजान थी, यहां तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर उस खत में लिखा क्या था। रूपमती ने ये सुनते ही कहा, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती कि इस खत में लिखा क्या है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तो अब आप सारा सच मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं? हाँ, महारानी ने कहा और फिर वो अपने हाथों को मोड़ते हुए आगे आ गई। उन्होंने उस जगह पर मौजूद सब लोगों की ओर देखा और खत खोलकर पढ़ने लगी। महाराज के कक्ष से चुराए हुए उन दस्तखत के लिए शुक्रिया, इनसे हम खजाने को जल्दी ढूंढ पाएंगे।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप महाराज और इस महल के साथ ऐसा करेंगी। ये जानते हुए भी हमने आपको इतना आदर दिया और आपको यहाँ रहने की अच्छी जगह दी, आपने ये सिला दिया हम सबको। महारानी अमृता देवी की आंखें अचानक ही ये बोलते हुए नम हो गई। उन्होंने अपने चेहरे से आंसुओं को पोंछा। रूपमती साफ देख सकती थी कि उसे एक बड़े जाल में फंसाया जा रहा था, लेकिन इस जाल की शुरुआत महाराज ने की थी। इस बात का उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझने की कोशिश कर रही थी आखिर उसके साथ ये सब क्यों किया जा रहा था। ये सच नहीं है, ये मेरा खत नहीं है, मैं तो बस महाराज का दिया हुआ काम कर रही थी। रूपमती ने ये सच बताने की कोशिश की, लेकिन जितना वो सच बता रही थी उतना ज्यादा इल्जाम उसके ऊपर लग रहा था। जैसे ही महारानी ने रूपमती की बात सुनी वो तुरंत बोली, आपने तो आज हद ही कर दी है राजकुमारी रूपमती, इतना झूठ और कितना झूठ बोलेंगी आप। यही दिन देखना रह गया था कि एक मेवाड़ की छोटी सी राजकुमारी हमारे पति इस महल के राजा के ऊपर इल्जाम लगा रही है। ये बात सुनकर दरबार में हर तरफ खुशबुसाहट शुरू हो गई। सब रूपमती के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन रूपमती की आंखें अभी भी सामने की ओर थी। उसने एक बार भी किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाया था। वो एक बार फिर से बोली, इस खत पर किसी का नाम नहीं लिखा, ये किसी का भी हो सकता है, आपने क्या सोचकर मुझ पर इल्जाम लगाया है। राजकुमारी रूपमती की बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। महारानी भी हंसने लगी और आगे आकर बोली, ये खत जिसके पास मिला है ये खत उसका है, मैंने बेवजह कोई बात नहीं की, आपकी तलाशी हुई, सच सामने आ गया और अब आप पकड़ी गई। रूपमती को सारी बातें बनाई हुई लग रही थी। वो फिर से बोली, मैंने कहा ना ये खत महाराज का है, मैं उन्हीं के पास जा रही थी, उन्होंने ही मुझे बुलाया था, ये सच नहीं है। अचानक ही पीछे से एक आवाज गूंजी जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया था। रूपमती ने जब सामने देखा कि ये किसकी आवाज है उसके होश उड़ गए। ये आवाज महाराज की थी, उन्होंने खुद रूपमती को उस खत को लेने के लिए भेजा था। लो अब तो महाराज खुद कह रहे हैं, अमृता देवी ने हंसते हुए कहा और फिर वो रूपमती को घूरने लगी। सबकी नजर रूपमती के ऊपर थी। महाराज धीरे धीरे सैनिकों के सहारे आगे आए और अपनी गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने रूपमती की ओर देखा और कहा, मैं मानता हूं कि मैंने आपको एक खत लाने के लिए भेजा था, लेकिन ये वो खत नहीं है, इसलिए मैं नहीं मान सकता कि ये मेरा है। इसमें क्या लिखा है वो पढ़कर तो हमारे होश उड़ चुके हैं। महाराज काफी देर से इन सब की बातें सुन रहे थे और सही मौके पर वो सामने आ गए। उनके हिसाब से उन्होंने रूपमती को इस खत के लिए नहीं भेजा था। रूपमती समझ नहीं पा रही थी कि महाराज सच क्यों नहीं कह रहे थे। तभी महाराज की बात का जवाब देने के लिए रूपमती के ठीक पीछे से आवाज आई, एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये आवाज राजकुमार यशवर्धन की थी। राजकुमार यशवर्धन बाहर से भागते हुए अंदर आए थे। वो पहले से ही जानते थे कि अंदर रूपमती के साथ क्या हो रहा था। महारानी पद्मा देवी यशवर्धन को वहां देखकर खुश हो गई। वो जानती थी कोई और नहीं तो वो जरूर रूपमती का साथ दे सकता था। अमृता देवी अपने बेटे को देखकर इतना खुश नहीं थी। वो जब भी रूपमती को धक्के मारकर महल से निकालने की कोशिश करती, हर बार यशवर्धन आकर उसे बचा लेता। इस बार भी बाजी उसी के हाथ में लग रही थी। यशवर्धन आगे आया और रूपमती की बराबरी में खड़ा हो गया। उसने सैनिकों को पीछे हट जाने का आदेश दिया और फिर कुछ भी कहने से पहले दो खत और महाराज को ले जाकर दे दिए और फिर कहा, आज सुबह ही राजकुमारी और मुझे ये खत आए थे जिन्हें देखकर हम बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमें इसका कोई जवाब नहीं आया और ना ही उस इंसान ने ये कहा कि आगे क्या करना है। यशवर्धन ने ये कहते हुए महाराज की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि कोई तो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, गलत फहमियां पैदा करके राजकुमारी रूपमती को बाहर निकालना चाहता है। पिछली बार उस इंसान ने रूपमती की जान लेने की कोशिश की और इस बार वो ये कदम उठा रहा है, पर आपको इस बात पर इतना यकीन कैसे है? उन दोनों खत की लिखावट एक जैसी थी, जिससे ये तो साफ था कि उसे एक ही इंसान ने लिखा था, क्योंकि मैंने इसकी जांच कराई है और जिसकी ये लिखावट है उसने रूपमती का नाम नहीं लिया, उसने किसी और का नाम लिया है। इन सब के पीछे महल का ही कोई इंसान है, राजकुमार यशवर्धन ने बड़े यकीन के साथ ये कहा और वो दरबार में मौजूद सबकी ओर देखने लगे। फिर राजकुमार यशवर्धन ने किसी को अंदर बुला लिया।
ये इंसान महल के अंदर लोगों के कपड़े धोता था। वो अंदर आया लेकिन उसने महाराज के आगे एक शब्द नहीं कहा। काफी बोलने पर भी वो कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें किसी और दुनिया में थी। उससे जब पूछा गया कि क्या इस सब के पीछे वो था, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं हूं इसका जिम्मेदार, राजकुमारी रूपमती नहीं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। लेकिन उसके ये कहते ही वो महाराज के आगे ही जमीन पर गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो वहीं पर मर गया। सब लोग हैरान थे। रूपमती और यशवर्धन दोनों के ही होश उड़ गए थे। अगले ही पल सैनिकों ने आकर उसे पकड़ लिया और उसे उठाकर अपने साथ ले गए। एक और मौत का किस्सा महल में आग की तरह भड़क उठा। लेकिन कोई तो था महल में जो इसके पीछे का सच सामने नहीं आने दे रहा था। रूपमती को अब सबसे बड़ा शक महाराज भूदेव के ऊपर था। आखिर कौन था इसके पीछे और कैसे बाहर आएगा सच? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रानी रूपमती। रात का एक पहर बीत चुका था। रात के इस पहर में भी रूपमती की आंखों से नींद ओझल थी। रूपमती बार बार खुद को नींद के आगोश में डुबाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें नींद आ नहीं रही थी। करवट बदल कर रूपमती सोने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उन्हें दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। वो तुरंत उठकर दरवाजे पर गई ये देखने के लिए कि दरवाजे पर कौन है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने यशवर्धन खड़े थे। यशवर्धन इस समय अकेले थे और अपने आसपास कुछ देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे। रूपमती को समझ नहीं आया कि यशवर्धन इस तरह परेशान क्यों थे और वो रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे थे। रूपमती की तरफ देखकर यशवर्धन ने कहा, मुझे अंदर आने दीजिए। इतना कहकर वे अंदर आए और उन्होंने तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया। रूपमती को समझ नहीं आया कि वे क्या कर रहे थे। उन्होंने यशवर्धन को देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं राजकुमार, इस तरह दरवाजा बंद क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, अगर बाहर से कोई हमें देखेगा तो हमारे बारे में कुछ भी गलत सोचेगा। इस तरह दरवाजा बंद मत कीजिए। हमारा रिश्ता वैसे भी बहुत अजीब अजीब सी परीक्षाओं से गुजर रहा है और मैं नहीं चाहती कि इस पर ऊपर से कुछ और परिस्थितियां आए और हमारे बारे में लोग कुछ उल्टा सीधा सोचे। रूपमती की इस बात पर यशवर्धन उन्हें शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाइए, आप जितना सोच रही हैं उतना कुछ भी नहीं है। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये बताइए कि क्या आपने अपने कक्ष में किसी को देखा? क्या आपको ऐसा लगा कि आपकी खिड़की के पास कोई साया था? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि खिड़की से कोई आपको देख रहा था? रूपमती ने यशवर्धन की बहकी बहकी बातें सुनकर हैरानी में कहा, नहीं तो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना? रूपमती को परेशान देखकर यशवर्धन ने कहा, हाँ सब ठीक है, ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। बस मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपके कक्ष के बाहर कोई था। जब मैं नींद से झपकी ले रहा था तब मैंने आपकी खिड़की पर किसी साये को देखा, इसीलिए मैं हड़बड़ाते हुए आपके पास आया। पर आप कह रही हैं कि आपने ऐसा किसी को नहीं देखा, तो शायद हो सकता है मेरी गलतफहमी हो। यशवर्धन की बात सुनकर रूपमती ने अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए कहा, गलतफहमी ही होगी। पता नहीं नींद में भी आप कैसे इतने उल्टे सीधे अंदाज लगा लेते हैं। रात बहुत हो गई, मुझे सोना है, अब आप यहां से चले जाइए। वैसे भी इस पहर में आपका यहां होना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। रूपमती की बात सुनकर यशवर्धन वहां से एक ही पल में निकल गए। यशवर्धन के जाते ही रूपमती ने वापस से अपना दरवाजा बंद करने की कोशिश की लेकिन तभी अचानक उसे भी ऐसा महसूस हुआ कि उसकी खिड़की के पास कोई था। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। एक ही पल में रूपमती सिहर सी गई। उसे लगा कि शायद गलतफहमी होगी, फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि अब तक यशवर्धन अपने कक्ष में पहुंच चुके थे। रूपमती वापस अपने पलंग पर आकर लेटी और सोने की कोशिश करने लगी लेकिन एक बार फिर उसके साथ वही हुआ जो यशवर्धन अभी कहकर गए थे। रूपमती की खिड़की पर एक साये की परछाई दिखाई दे रही थी। वो साया अपने हाथ में चाकू लिए हुए था। उसकी परछाई रूपमती साफ साफ देख पा रही थी। रूपमती को लगने लगा था कि ये उसकी गलतफहमी नहीं थी बल्कि सच में वहां कोई मौजूद था।
कोई था जो उसे मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन कौन था ये बात अभी भी रूपमती को नहीं पता थी। रूपमती बिल्कुल दबे पैरों से अपने बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। दबे पांव से वो खिड़की के पास गई और उसने अचानक से खिड़की का पर्दा खोल दिया। लेकिन जब उसने खिड़की का पर्दा खोला तो उसे कोई नहीं दिखा। पर्दे के पीछे तो कोई नहीं था। ये देखकर रूपमती और हैरान हो गई। उसे लगा कि क्या हो रहा था, अगर कोई था तो उसे दिखाई क्यों नहीं दे रहा था, और अगर कोई था ही नहीं तो बार बार उसे ये परछाई क्यों दिखाई दे रही थी। रूपमती को अब चक्कर से आने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ वो साया जो कि सच में रूपमती के कक्ष के बाहर खड़ा था, उसके हाथ में एक बड़ी सी चाकू थी। बड़ी सी चाकू को लिए वो बार बार उसकी पैनी नोक पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जाना माना खूनी है, या फिर कोई ऐसा जिसे खून करने की आदत हो। उसका चेहरा बहुत खूंखार दिखाई दे रहा था। उसकी मुस्कान भी बहुत ही डरावनी थी। यशवर्धन अपने कक्ष में गए और सोने की कोशिश करने लगे। वे लेटे ही थे कि अचानक उन्हें भी वही दस्तक सुनाई थी। अब उन्हें लगने लगा था कि सचमुच कुछ हो रहा था, कोई तो था महल में, लेकिन रात के इस पहर में किसी को जगाकर वो परेशान भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपने दिमाग से काम लेंगे। यशवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, खिड़की से एक साया बाहर निकल कर आया और उसने आते ही यशवर्धन को देखकर मुस्कुराते हुए उन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका वार हवा में लटक कर ही रह गया। यशवर्धन ने उसके वार को उल्टा उस पर ही लौटा दिया। गुलाटी खाकर वे पलट गए और तुरंत ही पलटकर उस हमलावर पर हमला करने लगे। उन्होंने उसे दीवार से टिकाया और उसकी चाकू को अपने हाथों से पकड़कर उसके पास ले जाने लगे। उन्होंने उस चाकू से उसे धमकाते हुए कहा, कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ, क्या मकसद है तुम्हारा? यशवर्धन की इस बात पर वो नकाब पोश हंसते हुए बोला, मकसद जो हमारा है उसे हम हासिल करके ही यहाँ से जाएंगे राजकुमार। और इतना कहकर वो वापस से पलट गया और यशवर्धन के हाथ से चाकू लेकर यशवर्धन की तरफ चाकू को दिखाते हुए बोला, आपको लगता है कि आप हमसे बच जाएंगे? हम जाने माने खिलाड़ी हैं, हमें हराना और हमसे नजरें बचाना दोनों ही नामुमकिन है। गुलाटी खाकर वो इंसान वापस से राजकुमार यशवर्धन पर हमला करने लगा। उसने यशवर्धन की गर्दन पर चाकू रखी और यशवर्धन की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में इस समय खौफ नहीं था। राजकुमार जानते थे कि अगर वो डर गए और उन्होंने अपने चेहरे पर खौफ दिखाया तो साय की हिम्मत बढ़ जाएगी। साय ने मुस्कुराते हुए यशवर्धन की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, तो बताइए मुझे कि क्या है वो राज जो राज आपने अब तक अपने परिवार से, अपनी माँ से और अपनी होने वाली पत्नी से छुपा कर रखा है। राजकुमार यशवर्धन ने जैसे ही उसके मुंह से किसी राज के बारे में सुना तो वो हैरानी में उसकी आंखों में देखते हुए बोले, किस राज की बात कर रहे हो, कौन सा राज? यशवर्धन के चेहरे की उड़ती हवाइयां नकाब पोश को ये इशारा कर रही थी कि वो शायद सही दिशा में जा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे की उड़ती हवाइयां मुझे बता रही हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। अब तुम बताते हो कि वो राज क्या है या फिर मैं? इतना कहकर वो साया राजकुमार यशवर्धन की गर्दन में चाकू घोंपने लगा। लेकिन जैसे ही वो साया यशवर्धन की गर्दन पर चाकू मारने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जैसे ही उस साये ने सुना कि दरवाजे पर कोई है तो वो घबरा गया। उसने तुरंत ही यशवर्धन को धक्का दिया और उन्हें वापस से पलंग पर ढकेल कर वो खिड़की से कूद कर बाहर भाग गया। अगले ही पल राजकुमारी रूपमती अंदर आई और यशवर्धन को देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपके कमरे से बहुत जोर जोर से उठा पटक की आवाज आ रही थी, सब ठीक है ना? रूपमती को अपने कक्ष में आया देख यशवर्धन ने सामान्य भाव से कहा, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रूपमती को यशवर्धन के चेहरे पर डर देखकर यह अंदाजा हो रहा था कि कुछ तो बात थी, लेकिन यशवर्धन बताने को तैयार नहीं थे। यशवर्धन सच में कुछ नहीं बताना चाह रहे थे। वे रूपमती को कुछ बताकर उन्हें चिंतित करना भी नहीं चाहते थे, और ऊपर से आज वो साया उनसे किसी राज की बात करके गया था। उस राज के बारे में याद करते हुए यशवर्धन का दिमाग खराब होने लगा था, लेकिन वो अभी किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। रूपमती ने यशवर्धन के कमरे का हुलिया देखा तो वो कमरे को अस्त व्यस्त देख कर बोली, सब ठीक है तो आपके कमरे का ये हाल कैसे हुआ? आपके कक्ष में सामान उल्टा पुल्टा क्यों पड़ा है? सच सच बताइए, सब ठीक है ना?
रूपमती को यशवर्धन की फिक्र हो रही थी। यशवर्धन को ये देखकर अच्छा भी लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए रूपमती को देखते हुए कहा, सब ठीक है, कोई बहरूपिया मुझे मारने के इरादे से अंदर आया था। रूपमती ने जैसे ही ये सुना तो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, सब ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो साया कहाँ है? वो यहां से भाग गया। क्या, ऐसे कैसे राजकुमार? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मैं जो सोच रही थी वो सही था। मुझे भी अपने कक्ष के बाहर किसी साये का अंदाजा हो रहा था। मैंने देखा कोई आया और आगे बढ़कर आपके कक्ष की तरफ जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया तो मैं यहां तक आ गई, लेकिन फिर वो कहां गायब हो गया अपने आप, कुछ पता ही नहीं चला। और जब मैं आपके कक्ष में आई तो आपने ये बताया कि वो आप पर हमला करने आया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस राज्य में? आप एक काम कीजिए, अपनी सुरक्षा को बढ़ाइए और अपने आसपास कुछ सैनिकों को हर समय तैनात करवाइए। इस तरह किसी का आना और आप पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। राजकुमारी रूपमती, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझसे वादा कीजिए कि आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी। यशवर्धन की बात सुनकर रूपमती हैरानी में बोली, क्यों क्यों नहीं बताऊंगी मैं? क्या हुआ, सब ठीक है ना? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि ये बात किसी को पता चले? बस मैं नहीं चाहता हूं कि ये बात किसी को पता चले, इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। रूपमती ने यशवर्धन की बात सुनकर यशवर्धन की जिद देखकर कहा, ठीक है, आप नहीं चाहते हैं तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। और इतना कहकर रूपमती वहां से चली गई। रूपमती के जाते ही यशवर्धन तुरंत आए और उन्होंने अपनी अलमारी खोली। अलमारी में उन्होंने एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक में छोटा सा ताला भी लगा था। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली और संदूक को उठाया तो वो हैरान रह गए। संदूक का ताला टूटा हुआ था। संदूक का ताला टूटा हुआ देखकर यशवर्धन की मानो सांसें अटक गई थी। उन्होंने तुरंत ही उस संदूक को खोला तो उसमें से वो चीज गायब थी जिसे यशवर्धन अब तक सबसे छुपाकर और बहुत ही हिफाजत से रखते आ रहे थे। यशवर्धन ने जैसे ही देखा कि उनकी वो खास चीज जो कि एक मुद्रा के आकार की थी और उस पर एक मोर के आकार का चित्र बना हुआ था, उस मुद्रा को गायब होता देखकर यशवर्धन मानो बहुत हैरान रह गए थे। वो धीरे से बोले, ये कैसे मुमकिन है? क्या हुआ था यशवर्धन के साथ? कहां गायब हुई थी उनकी वो खास चीज? क्या था इसके पीछे का मकसद? आगे क्या होने वाला था? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।